मरीजों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले अभिदय पल्स हॉस्पिटल की शुक्रवार को दूसरी शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद विकास महात्मे और जलप्रदाय विशेष समिति सभापति संदीप गवई प्रमुखता से उपस्थित थे। खाने पीने की गड़बड़ी, खराब दिनचर्या के कारण अधिकांश लोग पाइल्स यानी बवासीर से पीड़ित होते हैं। खाने पीने की घटिया आदतों और सक्रियता कम होने के कारण युवा पुरुषों और महिलाएं जो अपना अधिकतर समय ऑफिस में बैठकर बिताते हैं, उनमें यह स्थिति अधिक देखने को मिलती है। कई लोगों का मानना है कि इसका इलाज आसान नहीं है, लेकिन अभुदय पाइल्स हॉस्पिटल कई वर्षों से इस बीमारी का इलाज कर मरीजों को इस बीमारी से निजात दिलाने में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। अब इसी श्रृंखला में शुक्रवार को अभुदय पाइल्स हॉस्पिटल की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद विकास महात्मे और जलप्रदाय विशेष समिति सभापति संदीप गवई प्रमुखता से उपस्थित थे, जिस दरमियान उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया। आपने सही कहा कि पाइल्स के बारे में काफी लोगों के मन में शंका कुशंका रहती है, और इसमें मुझे लगता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अभी हम जो खाना खाते हैं, फूड्स जो है, फास्ट फूड खाना चाहते हैं, उसमें वेजिटेबल्स नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, तो फाइबर्स कंटेंट कम हो जाता है। और आयुर्वेदिक मुझे हमेशा लगता है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज जितने भी आज एग्जिस्टिंग है, वह यदि आयुर्वेदिक हम जीवन पद्धति हम अवलंब करें, क्योंकि इसमें ऐसा है कि सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार नहीं है, तो एक जीवन पद्धति है। और मैं अभिनंदन करूंगा डॉक्टर प्रवीण साहवे जी का और डॉक्टर पूजा साहवे जी का कि उन्होंने यह एक क्लिनिक लोगों के लिए एकदम, आप देखेंगे तो अद्यावत है, जो लेटेस्ट है वो सब उन्होंने अपनाया है। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि साहवे परिवार मेरे प्रभाग में रहते और मेरे प्रभाग में इतना अच्छा अत्याधुनिक हॉस्पिटल यहाँ खुलने जा रहा है, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे को, मेरे परिवार के लोगों को और जो भी मेरा मतदार है यहाँ पर, उन सभी नागरिकों को एक अच्छी अत्याधुनिक सुविधा मेरे वार्ड में घर के नज़दीक मिल रही है। साहवे परिवार का इस हमारे प्रभाग में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा परिवार है और हरदम सोशल एस्पेक्ट से ये लोग रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, तो तहे दिल से मुझे खुशी होती है और इस परिवार का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूसरी ब्रांच उन्होंने यहाँ पर मेरे प्रभाग 35 में खुली, तो सबके लिए एक अच्छी सुविधा यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आयुर्वेदिक के साथ लेटेस्ट जैसे कि महात्मे सर ने बोला कि आयुर्वेदिक के साथ अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर मिक्स हो जाती है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं और इसका लाभ यहाँ के नागरिकों को होगा, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ परिवार को और हरदम उनके पीछे जो भी महानगर पालिका की जो भी सुविधा लगेगी उनके पीछे मैं खड़ा रहूँगा। इस अवसर पर हमारी संवाददाता ने अभुदय पाइल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण साहवे से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने इस संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की। पाइल्स के बारे में अक्सर हमारे समाज में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रम है, उनको लोगों को लगता है कि पाइल्स इतने इजीली ट्रीट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं डॉक्टर के पास पाइल्स की ट्रीटमेंट करने जाने के लिए। हालांकि नागपुर में अभुदय पाइल्स है जो कई सालों से लोगों की सेवा कर रहा है, कई मरीजों की सेवा कर रहा है उनसे इस चीज़ को उभरने के लिए। और आज अभुदय पाइल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, शायद नागपुर में जितने भी पाइल्स के पेशेंट हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अभिदय पाइल्स की दूसरी ब्रांच का आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, और इसी के चलते हम प्रवीण साहवे जी इनसे बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपके इस नए क्लिनिक के लिए। कहीं ना कहीं बहुत जितने भी पेशेंट हैं जो इस इलाके में रहते हैं, मनीष नगर इलाके में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अभिदय पाइल्स इतने नज़दीक आ गया है उनके, तो आज इस अवसर पर आप क्या कहेंगे? बड़ी खुशी होती है। क्या है, एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल का आज से 12 साल पहले, और इस पौधे का आज वटवृक्ष बनने जा रहा है और हमारे समाज के लिए हम लोग कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसका हमें बहुत आनंद है। और इस नवरात्रि में माँ के आशीर्वाद से द्वितीय शाखा का शुभारंभ हो गया। हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि समाज के हर एक घटक तक हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो, समाज के हर एक व्यक्ति को हम अच्छे से अच्छी सेवा दे सकें
और हमने जो ज्ञान विदेश से प्राप्त किया है उस ज्ञान का फायदा समाज के हर वर्ग के लिए हो, हर एक गरीब वर्ग के लिए हो, यह हमारा सबसे पहला कार्य है और अभ्युदय पाइस लेजर इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर, कहीं ना कहीं आपने हमें कहा कि अभ्युदय पाइल्स हमेशा ही तत्पर रहता है जितने भी मरीज़ हैं उनकी सेवा में, और ये सही भी है, जितने भी पाइल्स के मरीज़ हैं उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना, यही अभ्युदय पाइल्स का एक अच्छा मोटो है, और उनकी इलाज करना। सर, ये जो नई ब्रांच आपने खोली, एक नई जगह है, तो क्या क्या नई नई फैसिलिटीज़ या फिर कौन सी ऐसी सुविधाएँ आप मरीज़ों को उपलब्ध कराने वाले? अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में अभी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का एक नया यूनिट ऐड हुआ है, जिसमें जो महिलाएं जिनको नॉर्मल प्रसूति हुई है उन लोगों को जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टेंस है, जिनको जैसे खांसते समय सीखते समय अपने आप यूरिन निकलती है, ऐसे मरीज़ों के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें कोई चिरफाड़ नहीं होती, कोई टाका नहीं है, कोई एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है और कोई एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें लेज़र के माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता है और यह ट्रीटमेंट ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। इसके 4 से 5 सेटिंग किए जाते हैं और इस 4 से 5 सेटिंग करने के बाद पेशेंट को अपनी बीमारी से आराम लगता है। तो अभ्युदय पाइल्स में हमने पहले जो एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट है वो तो है ही, जो BIM टेक्नोलॉजी है जो भारत में हमने पहली बार लाया है और सेंट्रल इंडिया में पहली बार लाया था, तो वो टेक्नोलॉजी तो है ही। साथ में जो एडवांस जितने भी लेज़र है वो सब अभी इस नए सेंटर में अद्यावत हो गए हैं। सर, कहीं ना कहीं बहुत मरीज़ों को लगता है कि पाइल्स का ट्रीटमेंट इतने इजीली नहीं हो सकता है, उनको डर लगता है पाइल्स का ट्रीटमेंट कराने के लिए, और कहीं ना कहीं आप आयुर्वेदिक एक ट्रीटमेंट देते हैं मरीज़ों को, और बहुत बार मरीज़ कतराते हैं डॉक्टर के पास आने से। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप उन मरीज़ों को, ऐसे जिन्हें पाइल्स हो गया है पर वो अभी भी डर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी पाइल्स के पेशेंट्स होते हैं उन सब पेशेंट्स को सबसे पहले तो डर लगता है कि मैं ऑपरेशन करूँगा, मुझे ये प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना छुपाए, सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को दिखाए, उसका सही तरह से इलाज करे और अपने पेशेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने कंसल्टेंट को जाके वो दिखाए। हमारे जैसे सेंटर पे हम लोग वीडियो रेक्टोस्कोपी के माध्यम से जांच करते हैं, जिसमें पेशेंट का निदान अच्छे से हो जाता है, और कोई स्टेज है अगर अर्ली स्टेज है तो पेशेंट ना डरे क्योंकि वो दवाई से ठीक होने वाले कोई, और एडवांस लेज़र करने से पेशेंट को वैसे भी दर्द नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है और बीमारियाँ भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, तो इसलिए हमेशा के लिए हम लोग निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और फिर एक बार आपको बहुत ज़्यादा शुभेच्छाएं आपके इस नए क्लिनिक के लिए। आशा है कि जितने भी मरीज़ हैं पाइल्स के उनको अभ्युदय पाइल्स में आके जैसा हमेशा रिलीफ मिलता है वैसा ही मिले। फिर एक बार आपको बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।